हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, बेल का बटन को ऑन कर दीजिए, जैसे कि जब भी मैंने एक वीडियो पब्लिश करूँ तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो फ्रेंड, जानेंगे आज हम इन्फ्लामेशन के बारे में कि क्या होता है इन्फ्लामेशन, कैसे हम बचेंगे और इसके साइन क्या होते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये जो इन्फ्लामेशन है, ये पैर है, राइट पैर, राइट लेग है हमारा, हिंदी में हम इसको पैर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अंगूठे के पहले टॉइज के पहले हमें फर्स्ट टॉइज जो है, बिग टॉइज हमारा जो है, उसके पहले हमें जो इन्फ्लामेशन जो रेडनेस दिख रहा है, ये हमारा होता है इन्फ्लामेशन। और ये जो पार्ट है ये हमारा मीडियल पार्ट है, मीडियल, ठीक है फ्रेंड्स। ये और दूसरा जो यहाँ से मेटाटार्सल्स भी अटैच हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेटाटार्सल्स की इन्फ्लामेशन हो सकती है ये, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अच्छा। अब हम देखते हैं ये लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर में भी हल्का सा रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग, सूजन टाइप की लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन के ही साइन होते हैं। अच्छा, आखिर ये होता क्यों है, तो हम जानेंगे फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से। ये फ्रेंड्स कभी चोट लगने की वजह से, या फिर गिरने, जैसे हम गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, और या फिर किसी ने हमें कट कर लिया, वाइट, जैसे डॉग वाइट्स होते हैं या फिर इंसेक्ट वाइट्स होते हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा बिग टॉइस है लेग का। तो इसमें हम देखेंगे कि क्यों हो रहा है ये फ्रेंड्स। हो सकता है आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर बिटिलो हो, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर नेल के किया हो, तो उसकी वजह से भी ये कभी कभी ना कभी हो जाता है। अब हम इसके फ्रेंड्स जानेंगे कि कार्डिनल साइन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपकी बॉडी में, इसकी वजह से भी पर्टिकुलर पार्ट अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसके पर्टिकुलर कार्डियन साइन इसके देखेंगे फ्रेंड्स। तो कार्डियन साइन क्या होते हैं, यानी कि हम इसको कैसे, सिम्टम्स क्या है, क्या पहचानेंगे हम इसके। सबसे पहला होता है रिवर, यानी कि रेडनेस, वहाँ अफेक्टेड पार्ट रेड होगा। दूसरा ट्यूमर, यानी कि वहाँ स्वेलिंग होगी, हम देखेंगे तो वो पार्ट हल्का सा फूला हुआ दिखाई देगा। तीसरा कैलोर यानी हीट होगी वहाँ पर, उसमें हम उसको टच करके देखेंगे तो हीट गर्म होगा। डॉलर यानी कि पेन, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और फंक्शन लीशिया यानी कि दर्द की वजह से हम उसके फंक्शन नहीं कर पाएंगे उस अफेक्टेड पार्ट के। तो ये इसके कार्डियन साइन होते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे कि जो इस इनके अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी आए या फिर थोड़ा बहुत हल्का वल्का दर्द होता रहे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसमें हल्दी लीजिए। हल्दी को एक गिलास दूध में आधा चम्मच या स्वाद अनुसार उसमें थोड़ा सा हम डाल सकते हैं, उस दूध को पीजिएगा। फिर भी अगर आपको ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फ्रेंड्स आप डॉक्टर को तुरंत जाके दिखा लें। हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो। अदरवाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है फ्रेंड्स, और यही एक मेन कारण होता है। और कुछ इंसेक्ट बाइट हो जाता है, कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके। और इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपको प्राप्त कराते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए SR फुल नॉलेज अप डिसीज के चैनल को। तो सब्सक्राइब नाउ, बाय बाय, टेक केयर।